दिल्ली के चांदनी चौक में प्राइवेट स्कूल पर लगे गंभीर आरोप। फीस न देने पर बच्चों को बनाया गया बंधक। 5 घंटे के बाद परिजनों ने बच्चों को छुड़वाया। अभिभावकों ने किया प्रदर्शन। उपराज्यपाल ने 3 अधिकारियों का किया तबादला। तबादले से बढ़ के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बोले, मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं एलजी। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता एनडी तिवारी की हालत नाजुक। कई अंगों ने काम करना बंद किया। एनडी तिवारी का दिल्ली के मैक्स अस्पताल में चल रहा है इलाज। भारत से श्रीलंका तक प्रभु राम से जुड़े स्थलों के दर्शन होंगे आसान। दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से चलेगी श्री रामायण एक्सप्रेस। रेल मंत्री पीयूष गोयल 14 नवंबर को दिखाएंगे हरी झंडी। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को लगाई फटकार। हाई कोर्ट ने पूछा कि आपको लोगों की चिंता है। दिल्ली में एक कार्यक्रम में कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने किसानों की बदहाली के लिए कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार। कहा नीतियां बनाई लेकिन उनका क्रियान्वयन नहीं किया। गाजियाबाद में पूर्व एमएलसी ने की जिला पंचायत सदस्य के पति से मारपीट। पुलिस ने दर्ज किया केस। आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं। 15 अक्टूबर से शुरू होगा नोएडा सेक्टर 62 मेट्रो का ट्रायल। डीएमआरसी सूत्रों के मुताबिक दिसंबर के अंत में एक्सटेंशन लाइन खोलने का लक्ष्य। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर लगा 5 किलोमीटर लंबा जाम। गाड़ियों की कतार देख छूटे पुलिस के पसीने। पुलिस ने गाड़ियों को एक्सप्रेसवे पर आने से रोका। फरीदाबाद में अतिक्रमण हटाने के लिए चलाया गया अभियान। निगम अधिकारियों के साथ विधायक नगेंद्र भड़ाना ने सब्जी मंडी रोड से हटाया अवैध कब्जा। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने मुन्ना बजरंगी की हत्या पर दिया विवादित बयान। मुन्ना बजरंगी की हत्या पर खुशी जताते हुए कहा, ईश्वरीय शक्ति ने की मुन्ना बजरंगी की हत्या में मदद। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा। राजस्थान में नीमासार दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं की बोलेरो कंटेनर में जा घुसी। हादसे में 8 लोगों की मौके पर ही मौत। अमरोहा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में 25,000 का इनामी बदमाश सुखवीर गोली लगने से हुआ घायल। पुलिस के एक सिपाही को भी लगी गोली। सुल्तानपुर में रिश्तों का हुआ कत्ल। जमीन विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई की कुल्हाड़ी मार कर की हत्या। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हल्द्वानी में अपराधियों ने व्यापारी के घर की लूट। विरोध करने पर मकान मालकिन को बुरी तरह पीटा। पुलिस मामले की जांच में जुटी। देहरादून में बारिश का कहर जारी। राजधानी देहरादून में तेज बारिश के चलते अब तक 7 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। बिहार के किशनगंज पहुंचे हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कहा, जो हमें वोट कटवा कहते थे आज उनकी पार्टी खुद पीएम मोदी के गोद में बैठी। बिहार में कांग्रेस ने लोकसभा की सभी 40 सीटों पर शुरू की तैयारी। आलाकमान के निर्देश पर पर्यवेक्षकों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकें जारी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में झारखंड को मिला 4th स्थान। सीएम रघुवर दास ने ट्वीट कर राज्य की जनता को दी बधाई। झारखंड में जल्द ही नक्सली छोटू खरुआर, नवीन यादव और सुधाकर रेड्डी की संपत्ति होगी जब्त। डीजीपी डीके पांडे ने दी जानकारी। सीहोर में पपनास नदी के तेज बहाव में एक गाड़ी सहित 3 लोग बहे। लोगों की खोज में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। एनडीआरएफ, प्रशासन, पुलिस और होमगार्ड की टीम तैनात। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले नए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी किए गए नियुक्त। वीएल कांताराव को बनाया गया मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी। सलीना सिंह की जगह लेंगे कांताराव। मध्य प्रदेश के सागर जिले में नाबालिग लड़की से मुंह बोले भाई ने किया रेप। पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की मामले की जांच।
टीकमगढ़ के ओरछा के रामराजा दरबार से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया चुनाव अभियान का आगाज। कहा प्रदेश की जनता इस बार त्रस्त है, बदलाव होकर रहेगा। रायपुर के बाल गृह से 3 बच्चों के गायब होने से हड़कंप, मामले में अपहरण की जताई जा रही है आशंका, पुलिस मामले की जांच में जुटी। छत्तीसगढ़ में आदिवासी बाहुल्य जिले जशपुर में शर्मसार करने वाली घटना आई सामने, 3 बच्चियों से रेप के बाद पंचायत ने जुर्माने के पैसों से मनाया जश्न। झुंझुनू की खेतड़ी पुलिस ने फायरिंग कर बैंक लूट के मामले में 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, लूटी हुई रकम के साथ 3 पिस्टल, 1 चाकू और 3 जिंदा कारतूस भी बरामद। राजस्थान के बाड़मेर जिले के चौहट्टन में संवेदनहीनता की तस्वीरें आई सामने, सड़क हादसे में घायल लोग लगा रहे थे मदद की गुहार, लेकिन लोग बनाते रहे वीडियो, घायल 3 युवकों की कई जान। मुंबई में बारिश से हाल बेहाल, बारिश से नाला सोपारा और वसई रोड स्टेशनों के बीच रेल पटरियों में भरा पानी, स्टेशन में फंसे यात्रियों की मदद के लिए पहुंची नौसेना। महाराष्ट्र सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की आयु सीमा घटाई, सरकार ने केंद्र के बराबर आयु सीमा 65 से घटाकर 60 की, मार्च 2016 से लागू माना जाएगा निर्णय। भिवानी में बार बार एटीएम से लोगों के साथ हो रही धोखाधड़ी के बाद पुलिस ने की शहर के एटीएम में छापेमारी, पकड़े गए संदिग्धों से पुलिस कर रही है पूछताछ। रोहतक के जवाहरलाल नेहरू नहर पर बने पुल से एक युवक युवती ने छलांग लगाकर की आत्महत्या, पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शुरू की तलाश। पंजाब के मुक्तसर में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा हमारी सरकार द्वारा किसानों के हित में उठाए कदमों से कांग्रेस की नींद उड़ी। पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के गृह जिले मुक्तसर साहिब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली का विरोध, किसानों ने दिखाए काले झंडे। चंडीगढ़ में बिजनेस करना नहीं है आसान, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में 29वें नंबर पर चंडीगढ़, शहर में कारोबारी परेशान। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अब लाभार्थी कम लागत पर भूकंप रोधी तकनीक से बना पाएंगे घर, धर्मशाला में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने की योजना की शुरुआत। शिमला में शिक्षा विभाग में वित्तीय अनियमितताओं और गबन मामले में विभागीय जांचों में की गई लीपापोती, सचिव ने जांच अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के दिए निर्देश। दक्षिण कश्मीर के शोपिया में बम विस्फोट, धमाके में एक नाबालिग लड़की की मौत, 4 अन्य लोग जख्मी। अंतरकलह से जूझ रही पीडीपी की कोर समूह की मीटिंग, महबूबा मुफ्ती की अध्यक्षता में बगावत के सुरों को शांत करने के लिए बनाई गई रणनीति। जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालटाल रूट से फिर शुरू हुई अमरनाथ यात्रा, अब तक 1,00,000 से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। बांग्लादेश की सीमा से सटे उत्तर 24 परगना जिले में मछलनपुर बस स्टैंड से 6 रोहिंग्या घुसपैठियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, सभी को अदालत में किया गया पेश। उत्तर बंगाल में सिलीगुड़ी के पास भारत बांग्लादेश सीमावर्ती इलाके में बगैर अनुमति ड्रोन उड़ाने का मामला आया सामने, ड्रोन उड़ाने के मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। कूचबिहार में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान, सीमावर्ती इलाकों में विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार को हाथ मिलाकर काम करने की जरूरत। राज्य में कैंसर रोग के इलाज के लिए राजधानी में बनाया जाएगा विश्व स्तरीय टाटा मेमोरियल अस्पताल, इसके लिए सरकार खर्च करेगी 1,000 करोड़ रूपए। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान पूरे रेलवे स्टेशन सहित पूरे परिसर को लोगों के लिए स्वच्छता की नजीर के रूप में किया जाएगा प्रस्तुत, इसके लिए पूर्व तट रेलवे ने पूरी की तैयारी। कांग्रेस नेता परेश धनाड़ी का बयान, गुजरात में भाजपा के 2.5 दशक के शासनकाल में कांग्रेस छोड़कर गए नेता और कार्यकर्ताओं के लिए कांग्रेस करेगी घर वापसी कार्यक्रम शुरू। भाजपा ने स्थानीय निकाय चुनाव में वडोदरा और जूनागढ़ की सीटों पर जमाया कब्जा, भाजपा अध्यक्ष जीतू वाघाणी ने बताया कांग्रेस की जातिवादी राजनीति की हार।
सीपीएम भी अब जाएगी भगवान राम की शरण में। सीपीएम की केरल राज्य समिति ने 17 जुलाई से रामायण महीना मनाने का लिया फैसला। ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च से जुड़े पादरी के खिलाफ महिला ने दर्ज कराया रेप का केस। महिला ने कहा, बात करने के बहाने अपने दफ्तर में बुलाया और फिर यौन शोषण किया। और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शिलोंग में विकास को लेकर दिया बयान, कहा केंद्र की मोदी सरकार पूरे राज्यों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए प्रतिबद्ध।